हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, हरियाणा एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखने हैं अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेखा में से एक ऐसा आरेखा चुनिए जो भाषा हिंदी जर्मन के मध्य संबंध को दर्शाता हो। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा वेन डायग्राम देखना है जो भाषा हिंदी और जर्मन को बता रहा हो। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें रिलेट तो कर रही हैं क्योंकि दोनों हिंदी और जर्मन एक भाषाएं हैं और भाषा के और इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसका मतलब कोई भी ऐसा वेन डायग्राम जो इन तीनों से मतलब एक अलग दिखाई दे उसको हटा देंगे, जैसे दो वेन डायग्राम आपके कट हो जाएंगे, बचेंगे ये दो। तो इन दो में भी ए वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न जान लीजिए जल्दी से कि यहाँ पे कुछ हिंदी जर्मन और कुछ जर्मन हिंदी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हिंदी और जर्मन दो अलग अलग भाषाएं हैं, बट दोनों की दोनों भाषाएं हैं, इसलिए भाषा से कवर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है, ठीक है, और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो जितनी लाइन पढ़ेंगे हम उतना ही करते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो पश्चिम दिशा में जाता है 8 किलोमीटर, तो सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे उसने मान लीजिए किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। बाकी आपको चलना कहाँ से होता है, जब भी बोला जाता है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यानी कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है पश्चिम की दिशा में 8 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ेगा और 10 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ से बाएं मुड़ के यहाँ तक वो 10 किलोमीटर आ चुका है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया 8 किलोमीटर पश्चिम की डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे वो 10 किलोमीटर आ चुका है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला जा रहा है, इसे भी देख लेते हैं। वहाँ से वह फिर घड़ी की सुई की चलने की दिशा में 180 डिग्री घूमेगा, यानी कि देखिए घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे क्लॉकवाइज, यानी कि यही आपकी डायरेक्शन होती है। तो इसमें वो 180 डिग्री, मैं वहीं पे बताऊंगा, 180 डिग्री घूमता है और 16 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है तो आप मुझे ये बताइए पूरा 180 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पे जाएगा। देखिए 180 ये होगा, पूरा का पूरा सर्किल आपका 360 का होता है, तो हाफ सर्किल घूमेगा, ठीक है। तो 180 डिग्री इसने घूमा तो ये यहाँ पे आ चुका है, यानी कि इसका जो फेस इस डायरेक्शन में था ना, अब इस डायरेक्शन में हो चुका है, समझ गए भाई। अभी इस डायरेक्शन में फेस था, पूरा आधा इसने घूमा 180 डिग्री, तो अब फेस इस डायरेक्शन में जा चुका है। तो अब यहाँ पे जो खड़ा है इसका फेस इस डायरेक्शन में है, और बोला जा रहा है कि 16 किलोमीटर अब ये मूव करेगा 180 डिग्री घूमने के बाद में। देखिए 180 डिग्री घूमने के आगे 16 किलोमीटर जाता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक ही था, ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा 6 किलोमीटर और, तो 10 से ऊपर जाएगा ये इतना, यानी कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा 6 किलोमीटर। अब उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है, यहाँ 16 जाने के बाद 16 किलोमीटर जाता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन चुका है। बस यहाँ पे ना थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको कि किस डायरेक्शन में जाता है, कितना मुड़ना होता है। बस एक भी गलत डायरेक्शन में आप मुड़ गए ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दाएं मुड़ने के बाद में जब वो 8 किलोमीटर मुड़कर दाएं जाता है, तो इसमें आपको बताना है अब कि वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अगर दिशा की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए ये लाइन ड्रॉ करिए दो, ठीक है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, तो ये वाली जो दिशा है कौन सी हो जाएगी, उत्तर। तो वो अभी उत्तर दिशा में खड़ा है
और कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए भाई, मैं अगर पूरा का पूरा बताऊँ आपको, ये पूरी की पूरी कितनी है 16, ये कितना है 10। अगर इस 10 में से 16, 16 में से 10 माइनस कर दिया जाए, बचेगा कितना 6। तो ये यहाँ से यहाँ तक का 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है और किस डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 किलोमीटर उत्तर डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पे दिया गया है, यदि गोट को किसी कोड में HPBU लिखा जाता है तो फ्रॉग को उसी कोड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो G से नेक्स्ट क्या आता है, H आता है, O से P आता है, A के बाद B आता है, T के U, यानी कि यहाँ पे +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है ना, +1 चल रहा है इसमें, A में भी +1 चल रहा है और T में भी +1 चल रहा है। यानी कि अगर सभी में +1 कर दूं, या फिर ये बोलूं कि मैं नेक्स्ट वर्ड उससे चला जाऊं, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अगर मैं देख लूं, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉग में भी आपको यही करना है, एफ में अगर मैं +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा जी, आर में +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा एस, और ओ में +1 कर दूं तो पी, और जी में +1 कर दूं तो एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा GSPH, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपके ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा, जो सीरीज पीछे चल रही होगी वही सीरीज आगे चल जाएगी, ठीक है। बट सबसे पहले आपको ये सीरीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इनके पीछे ये चल क्या रहा है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए ABCD, यानी कि यहाँ पे तो बस नेक्स्ट वर्ड चल रहा है, +1 चल रहा है बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा सा बोलना ठीक रहेगा क्योंकि +1 से आपकी समझ में आ जाएगा, +1, ठीक है, +1 +1, तो नेक्स्ट +1 क्या करेंगे, ई आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं ऑप्शन में सभी में ई है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए +2 +2 +2, और नेक्स्ट +2 करेंगे तो के आ जाएगा। तो इसमें भी आपका देखिए दो ऑप्शन तो कट चुके हैं, ये दो बचे। फिर इसके बाद देखिए FI, यानी कि +3 +3 +3, और नेक्स्ट मैं +3 करूँगा तो R आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा और एक मतलब आसान सा क्वेश्चन था ये, जिसको आप इजीली कर भी सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और मैं तो कराते ही रहूँगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कथन, यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि लगा के बोला गया है कि यदि वह कठोर परिश्रम करेगा करेगा तो सफल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसका दूसरे साइड में बोलने का मतलब ही हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या क्या है, वह कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा कहीं कथन में बोला गया कि वो कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया, अगर यदि वह कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि वो कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है कठोर परिश्रम फल देता है, तो हम इसको राइट लगा सकते हैं क्योंकि हमारा कथन ये ही बोलना चाह रहा है यदि कठोर परिश्रम करेगा तो वह जिंदगी में सफल हो जाएगा, तो इसका मतलब कठोर परिश्रम फल देता है, तो आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका केवल सेकंड निष्कर्ष सही होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है उत्तर आकृतियों में से सही उत्तर का चयन करके दी गई आकृति श्रेणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न आकृति में क्या दिया गया है, एक सीरीज सी दे रखी है और इसमें आपको नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। आपको ये रिलेशन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें चल क्या रहा है, टोटल फिगर जो है आपकी सेम है सारी की सारी, चारों की चारों, तो नेक्स्ट वाले भी बिल्कुल सेम रहेगी और बिल्कुल चारों सेम दे भी रखे हैं ऑप्शन में। बट जो ये बिंदु है, ये लग रहा है बिंदु, इससे चेंजेस आ रहा है। अगर आप देखें, ये पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये यहाँ पे था तो यहाँ पे इस वाले में होगा एक छोड़ के ये यहाँ पे लिख दिया गया, फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे था एक दो छोड़ के यहाँ पे लिख दिया गया,
मतलब लगा दिया गया। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आ गया था, ये यहाँ पे है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब एक दो तीन छोड़ के अब की बार यहाँ पे लगा दिया गया, तो नेक्स्ट में चार छोड़ के आएगा, तो चार छोड़ने का मतलब है एक दो तीन चार, ये चार छोड़ने के बाद में यहाँ पे आना चाहिए नेक्स्ट वाले, किसी भी जो भी फिगर होगी यहाँ पे आएगा बिंदु, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली बात है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सिंपल है, इसमें बताना है 5 × 2 अगर 27 लिखा है, 3 × 5 बराबर आपका 14 लिखा, तो 6 × 4 क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर प्लस ये, इस नंबर का स्क्वायर प्लस ये चल रहा है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 प्लस 2 तो 27, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर + 4, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 + 4 = 40, यानी कि आपका 40 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि सिंपल होते हैं, आप इजीली कर भी लेंगे उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लास्ट 3 क्वेश्चन हैं आज के वीडियो के, इसमें आपको बताना है इन दोनों में भिन्न कौन सा है, ठीक है। यानी कि इसकी अगर मैं बात करूँ तो इन चारों ऑप्शन में से भिन्न कौन सा है, ओड वन आउट आपको निकालना है। अगर देखें यहाँ पे अखबार, सिनेमा, पत्रिका, उपन्यास, तो इन तीनों में देखिए सिनेमा जो है एक डिजिटल माध्यम हो गया, और ये तीनों आपके पढ़ने वाले माध्यम मतलब पढ़ने वाले हो गए हैं, ठीक है। तो ये वाले आपके मतलब इसमें सिनेमा ही अलग रहेगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेमा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे इसमें देखिए सोफ़ा, कुर्सी, टेलीविज़न, मेज, तो सोफ़ा, कुर्सी, मेज तो आपका फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है, और टेलीविज़न आपका एक इलेक्ट्रिक सामान हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस ही होती रहती है और आपको पता चलता रहता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, मुझे लगता है कि सब क्वेश्चंस आप कर लेंगे, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख रखी है रीजनिंग की, बिल्कुल एक एक चैप्टर अच्छे से कवर करा रखा है, ठीक है भाई। और ये लास्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही सिंपल है, तो ये लास्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वीडियो को रोक करके करिएगा, बहुत ही सिंपल है, मतलब आप सभी आंसर कर सकते हैं इसका, ठीक है। चाहूँ तो मैं बता दूंगा बट इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इससे ये भी पता चल जाएगा कितने बच्चे वीडियो को एंड तक देखते हैं, और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी PDF है, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है 11 बजे उसकी भी PDF वहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, फिर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टॉपिक स्टडी, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।